दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुलदीप यादव के पंच के बाद शुभमन गिल की शतकीय प्रहार से कांपा पूरा बांग्लादेश का खेमा। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव के 5 विकेट के कारनामे के बाद शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा की पारी ने भारतीय टीम को एक ऐसी मजबूत बढ़त दिला दी जिसको देखकर विरोधी टीम के बीच से धरती फट गई। जी हां, आखिरकार कैसे कुलदीप यादव की गेंदबाजी के बाद पुजारा और शुभमन गिल ने तहलका मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीसरे दिन के खेल की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और गिल में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। दरअसल भारतीय टीम ने पहली पारी में 404 रन बनाए और इस पारी का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम ने दूसरे दिन के अंत तक 133 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन जब तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो बांग्लादेश की टीम ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाई और मात्र 17 रन जोड़कर ऑल आउट हो गई। दरअसल भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाज कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इबादत हुसैन को 17 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। इतना ही नहीं, भारतीय टीम ने अंतिम विकेट मेहदी हसन के रूप में ले लिया, जहां पर 56वें ओवर में मेहदी हसन को अक्षर पटेल ने 25 रन बनाने के बाद ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करवा दिया और इसी के साथ ही 55.5 ओवर में बांग्लादेश की टीम 150 रन पर ऑल आउट हो गई। अब यहां पर भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव ने 5, मोहम्मद सिराज ने 4 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट हासिल किया और 254 रन की बढ़त भी भारतीय टीम ने हासिल कर ली। और साथ में आपको बता दें कि इसी के साथ और भी ज्यादा मजबूती बनाने के लिए भारतीय टीम 254 के स्कोर को आगे बढ़ाने का जिम्मा लेकर मैदान पर उतरी, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। अब दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के सामने एक शानदार शुरुआत की और 70 रन की साझेदारी कर दी। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से कप्तान केएल राहुल एक बार फिर से पहली पारी की तरह ही दूसरी पारी में भी गलत शॉट खेलकर आउट हो गए और इस बार गेंदबाज खालिद अहमद के द्वारा 23 ओवर में केएल राहुल इस्लाम के शानदार कैच के दौरान कैच आउट हो गए। अब आपको बता दें कि केएल राहुल ने 62 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 23 रन की पारी खेलने के बाद अपना विकेट दे दिया। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा आए, हालांकि दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने पारी को संभाल कर रखा और टीम को आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। अब इसी बीच पारी के 31वें ओवर में तगड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने रिव्यू तो लिया लेकिन टेक्नोलॉजिकल दिक्कत के कारण खिलाड़ी नॉट आउट रहा। इसके अलावा 26वें ओवर में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना 5वां अर्धशतक लगा दिया। हालांकि अभी लग रहा था कि शुभमन गिल इस अर्धशतक को अपने पहले टेस्ट शतक में तब्दील कर पाएंगे, जिसके लिए उन्होंने पुजारा के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। अब इस बीच उन्होंने एक लंबा छक्का भी लगा दिया और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई और साथ ही साथ शतकीय साझेदारी भी होने वाली थी और इसी बीच चाय के समय तक 140 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बना लिए। इसी बीच शुभमन गिल धीरे धीरे पहले अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने 100 रन के आंकड़े को नजदीक आता देख ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि जब दोबारा से मैच अंतिम सत्र के लिए प्रारंभ हुआ तो गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया और इसी बीच 42वें ओवर में भारतीय टीम ने 400 रन की लीड तो हासिल कर ली और साथ ही साथ शुभमन गिल ने छक्का लगाकर अपनी बल्लेबाजी से तेजी भी प्रदान कर दी और इसी बीच 48वें ओवर में शुभमन गिल ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए 2 चौके लगाकर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर लिया और जश्न भी बड़े ही अलग अंदाज में बनाकर विरोधी टीम को दिखा दिया कि ये सब दर्शकों के लिए। हालांकि शुभमन गिल ने शाही अंदाज में अपना शतक चौके के साथ पूरा किया और साथ ही साथ अपने शतक का पूरा क्रेडिट दर्शकों को दे दिया। लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ से 50 ओवर में रोमांच की सारी हदें पार हो गई, जहां पर इस ओवर में शुभमन गिल ने मेहदी हसन को एक लंबा छक्का 88 मीटर के रूप में लगा दिया। लेकिन फिर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मेहदी हसन ने शुभमन गिल को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और वो फील्डर के हाथों कैच आउट हो गए। जी हाँ, अब आपको बता दें कि शुभमन गिल ने 152 गेंदों पर 110 रन की पारी खेली और इस बीच उन्होंने 10 चौके और 3 छक्कों के साथ 73 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और आखिरकार 113 रन की साझेदारी पर ब्रेक लग गया। अब ऐसे में बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए। अब दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे चेतेश्वर पुजारा
ने भी टेस्ट करियर का 35वां अर्धशतक और इस मैच का दूसरा अर्धशतक लगा दिया। लेकिन जिस अंदाज से अब दोनों तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि अब जितने भी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं वो सभी छक्के और चौकों पर विश्वास रखेंगे। ऐसे में भारतीय टीम की जीत लगभग निश्चित दिखाई दे रही थी, क्योंकि अभी तक लीड 438 रन की थी। ऐसे में ये लीड 500 तक जा सकती है और इस मुकाबले को किसी भी कीमत पर भारतीय टीम आराम से जीत लेगी और बांग्लादेश से बदला जरूर लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।